हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों आज डिस्कशन करेंगे टाटा पावर पर। देखिए फ्राइडे को काफी वीक ये बंद हुआ है, लगभग 3.5% नीचे 192 रुपीस के आसपास ये बंद हुआ है। देखिए आज की हमारी डिस्कशन जो होगी वो टेक्निकल्स के बेसिस पे रहेगी। लगभग पिछले 1.5 से 2 सालों में इसने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है और मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर जो इसमें फंसे हैं वो 230 240 से ऊपर लेकर इसको फंसे हुए हैं, काफी टाइम से फंसे हुए हैं और ये शेयर जो है बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा, इनफैक्ट धीरे धीरे नीचे जरूर आ रहा है। तो देखिए फ्राइडे के सेशन पे टेक्निकली इसने एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल के पास आके क्लोजिंग दी है, एक रेंज को तोड़ा है और यहां से अब अगले लेवल्स कहां के खुल सकते हैं, कहां ये आपको शेयर जाता हुआ दिख सकता है उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, टेक्निकल चार्ट डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन से लेवल्स हैं जहां पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, जहां पर आके ये रुक सकता है, गिरना बंद हो सकता है और ये दोबारा कौन से लेवल को तोड़ने के बाद इसमें अच्छी रैली आ सकती है। चलिए इसके टेक्निकल्स डिस्कस करते हैं फटाफट। देखिए अभी ये यहां 192 के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है, ये लगभग यही 190 रुपीस के आसपास ही इसका एक ये लो है जो इसने जून 2022 में बनाया था, ये उस लो के पास आ गया है। तो देखिए अगर इस लो को तोड़ता है तो फिर यहां से नीचे ये और तेजी से गिरेगा। तो अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ तो 188 रुपीस का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। 188 को तोड़ के नीचे क्लोजिंग देता है, नीचे निकलता है तो फिर अगला सपोर्ट लेवल कोई भी नहीं है, फिर सीधा साइकोलॉजिकली राउंड नंबर पर 150 के आसपास आके इसको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब पहले आप समझिए कि इस शेयर में हो क्या रहा है। पिछले काफी दिनों से आपको कॉन्टिन्यूसली दिख रहा है कि नीचे आ रहा है या फिर परफॉर्म नहीं कर रहा है। देखिए उसके काफी सारे कारण है। पहला कारण तो जो इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स खराब है, जब मार्केट के सेंटिमेंट्स खराब है, जब मार्केट ही ओवरऑल 3-4 महीने से नीचे आ रही हो तो ऐसे समय में 90-95% स्टॉक्स तो वैसे ही परफॉर्म नहीं करते, वो वैसे ही नीचे आने लग जाते हैं, ठीक है। यहां अगर हम टेक्निकल चार्ट पर देखें, इस रेंज में ये पिछले 3-4 महीने से घूम रहा था, अब इस रेंज के नीचे निकला है, इस रेंज के नीचे निकला है और ये जो लो लेवल है लगभग 190 रुपीस के आसपास का लो है जून 2022 का, अगर इसको तोड़ता है फिर तो पूरे चांसेस है, देखिए 192 के आसपास आ गया है तो मार्केट क्या करती है, कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल होती है उस प्राइस की अगर पास आती है तो उसको एक बार जरूर तोड़ती है। तो यहां पर अगर इसको तोड़ती है 188 रुपीस का स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि इस लेवल को तोड़ती है तो फिर इसमें शार्प करेक्शन नीचे की तरफ आ सकती है, तेजी से नीचे आ सकता है। अब देखिए 3-4 महीने से मार्केट गिर रही है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि अप्रैल में मार्केट बढ़नी चाहिए यार, 4 महीने नॉनस्टॉप नीचे आ गई, जिन्होंने भी बेचना था जो भी कारण था जिस भी कारण की वजह से लोग बेच रहे थे अब बेच चुके होंगे, अब बेच कितना बेचेंगे, 4 महीने से बेच रहे हैं, FIIs 4 महीने से बेच रहे हैं, बेच बेच के एक टाइम के बाद तो भाई उनकी भी जो भी उन्होंने बेचना था जिस भी कारण की वजह से वो सेलिंग रुकेगी, ये थोड़ी ना कि भाई सारा साल बेचते ही रहेंगे। तो एक बार अगर अब 26 मार्च तो देखिए आज हो गया, अगर अप्रैल के महीने में ये रुकते हैं और सेलिंग रुकती है और फिर मार्केट में तेजी आती है तो यहां से इसमें बाउंस बैक भी देखने को आपको मिल सकता है। लेकिन इसका ट्रेंड चेंज कब होगा, बड़ी रैली इसमें कब आएगी, जब ये ऊपर का ये वाला जो लेवल है लगभग 220 के आसपास का लेवल है, 220 के ऊपर निकलता है तो फिर ये 250 के लिए ट्राई कर सकता है। जब तक ये 220 से नीचे है इस स्टॉक में बेरिशनेस रहेगी और अगर 190-188 को तोड़ के नीचे निकला तो फिर इसमें और ज्यादा पेन भी आ सकता है। चलिए ये तो हो गई इस स्टॉक के बारे में बात, आपको कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना है। 188 रुपीस का स्टॉप लॉस इसमें जरूर रखिएगा, क्योंकि की लेवल को जब एक बार स्टॉक तोड़ देता है तो बहुत तेज मूव आता है, बहुत तेजी से निकलता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, म्यूचुअल फंड भी होंगे, इंश्योरेंस कंपनी भी होगी जो इस स्टॉक को लेके बैठे हैं और वो लोग फिर प्राइस लेवल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो 188 के नीचे निकलेगा तो फिर वो वेट नहीं करेंगे, उनका तो देखिए एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो फिर उनको सेल करना ही पड़ता है, फिर वो सेल करेंगे, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आएगी तो प्राइस को नीचे और ज्यादा ले जा सकती है। तो यहां आप समझने की कोशिश कीजिए, अब रिटेल जो है इसमें ऊपर के लेवल में क्यों फंसा है, 230-250 में रिटेल क्यों फंसता है, उसका कारण आपको बताता हूं। देखिए यहां मार्च 2020 में 27 रुपीस का ये स्टॉक होता था, 27 से देखिए इसमें रैली आई, आपको क्या लगता है कि रिटेल ने यहां खरीदा होगा, नहीं, ये जो समय होता है ना जब मार्केट में बहुत ज्यादा बेरिशनेस होती है, पैनिक होती है, जैसे अभी भी है इस वक्त 3-4 महीने से मार्केट नीचे आ रही है, इस समय में रिटेल पसंद ही नहीं करता कुछ खरीदना, रिटेल को लगता है कोई चीज नीचे आ रही है तो वो और नीचे आती रहेगी। देखिए ये गलत नहीं है, डर के मारे ना खरीदना कुछ गलत चीज नहीं है, और मैं तो आपको हमेशा अपनी हर वीडियो में बताता हूं SIP मोड में ही खरीदा करो, कोई भी शेयर आपको पसंद हो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे करके इन्वेस्ट करो, उससे क्या होता है आपकी जो एवरेज कॉस्ट प्राइस होती है वो करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही रहती है, तो इसमें आप कभी भी ऊपर के लेवल में नहीं फंसते। तो आप देखो यहां मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, रिटेल इसमें ऊपर के लेवल पे कैसे फंसा है। तो देखिए यहां जब इसमें 2020 से रैली आई, ये कॉन्टिन्यूसली ऊपर गया, 27 रुपए से बढ़कर 150 के आसपास आ गया,
उसके बाद दो महीने में ही इसमें इतना तेज मूव आया, 150 से सीधा 267 के पास जाके ये रुका। एक महीने के अंदर जब एक 150 रुपीज वाला शेयर 267 का हो जाएगा तो उसमें इंस्टीट्यूशंस जो हजारों करोड़ों रुपए से ट्रेडिंग करते हैं, जो इसमें 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं चलो भाई बहुत बढ़ गया, अब अपना प्रॉफिट बुक कर लो। और ऐसे समय में रिटेल क्या करता है, रिटेल एंट्री करता है। तो रिटेल हमेशा वो शेयर खरीदता है जो प्रूव हो चुका हो, जो 10 का 100 हो चुका हो, या फिर जैसे ये 27 रुपए का शेयर है, जब 27 रुपए का शेयर 270 हो चुका हो, 10 गुना हो चुका हो, तब रिटेल उस शेयर को खरीदना पसंद करता है, क्योंकि वो लालच में आ जाता है, ग्रीड में फंस जाता है। तो ये वो कारण है जिस वजह से रिटेल इसमें फंसा हुआ है ऊपर के प्राइसेस पे। मैं ये नहीं कह रहा रिटेल ने यहाँ बाय किया, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं, 270 से गिर के 230 आया, वो सोचते हैं भाई शेयर गिर गया, 40 रुपए गिर गया, अब ये खरीदने का मौका है। तो आप समझो, पहले आप बड़ी पिक्चर देखा करो, टेक्निकल चार्ट खोल के देखा करो कि जो भी स्टॉक आप खरीद रहे हो पिछले 2-3 सालों में वो ऑलरेडी कितना बढ़ चुका है। अब एक स्टॉक ऑलरेडी 10 गुना हो चुका हो, देखिए स्टॉक को ऊपर रिटेल इन्वेस्टर नहीं लेके जाता कभी भी, स्टॉक को ऊपर हमेशा म्यूचुअल फंड्स, FIIs, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनी, ये लोग लेके जाते हैं। और जब भी ऐसा कोई स्टॉक होगा जो 2 साल में 10 गुना हो चुका हो, उसको कभी भी इंस्टीट्यूशन पसंद नहीं करेगा बाय करना। इंस्टीट्यूशन बाय कब करेंगे, जब स्टॉक गिरकर, अब ये 250 से गिरकर मान लो 150 आ जाता है, 100 आ जाता है, तब इंस्टीट्यूशंस इसमें एंट्री करते हैं। तो यहां आपको थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस समझनी होगी। आगे से आप कभी भी कोई स्टॉक बाय करो, पहले जरूर चेक किया करो पिछले 1-2 सालों में कितना बढ़ गया है, 10-10 गुना हो चुके हैं स्टॉक्स, उनमें तो कभी भी आप हाथ मत लगाया करो। अब यहां अगर देखिए, अगर मुझे इस स्टॉक को खरीदना हो, मैं वेट करूंगा इसका 150 के आसपास आने पर, 150 पर वीकली टाइम फ्रेम पर 200 वीक की मूविंग एवरेज बनती है, वो एक अच्छा पॉइंट होगा इसमें एंट्री का। देखिए 150 पे आता है तो मैं बाय करूंगा, ये सोच के नहीं कर रहा कि भाई 150 से नीचे जा ही नहीं सकता, क्यों नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन मेरे पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगी कि देखिए 2-3 महीने पहले यही शेयर आपको 210 रुपए का मिल रहा था और अब मान लो 150 का आ गया है और 2 साल से इसने परफॉर्म भी नहीं किया है, तो अच्छी खासी देखिए सेलिंग आ चुकी है, जिसने भी इसमें बेचना था वो बेच चुका है। एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 150 का जो भी प्राइस होगा वो मेरे लिए एक सेफ प्राइस होगा। और अगर मैं बाय भी करूं तो फिर मैं उसमें एक स्टॉप लॉस भी लेके चलूंगा। रिटेल पहली चीज ये गलती करता है कि वो गलत प्राइस पे फंसता है, दूसरी गलती वो ये करता है भाई स्टॉप लॉस नहीं रखता, 200 रुपए का शेयर लिया, 210 का हो गया तो फटाफट बेच देता है 10 रुपए के प्रॉफिट के लिए, और वही अगर शेयर 200 रुपए से गिर के 150 आ गया तो वो 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल लेके बैठा रह जाता है उसको। तो रिटेल ये गलती करता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जो शेयर खरीदता है प्रॉफिट तो बहुत जल्दी बुक कर लेता है लेकिन स्टॉप लॉस नहीं रखता, अगर शेयर गिरने लगता है तो उसी शेयर को अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना लेता है। तो देखिए यही कारण है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्यूरीज आ रही है इस स्टॉक के लिए, बहुत ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स इसमें फंसे हुए हैं। तो आपको क्लियरली बता रहा हूं 188-185 से नीचे निकलता है तो देखिए शेयर के टेक्निकल स्ट्रक्चर वैसे ही बहुत बिगड़ा हुआ लग रहा है और ज्यादा बिगड़ जाएगा, फिर 150 रुपीज के आसपास आकर रुकेगा। तो अगर देखिए होल्ड किया हुआ है 188-187-185 रुपीज इसके आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर रखना।